मॉर्निंग एवरीवन, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी में यूनिट नंबर 9 कब आओ। कब आओ यूनिट में अवंती की बात की गई है। जैसे अवंती का समझदार यंग मैन है और उसकी दुकान पर एक सेठ आता है और उसको बिना काम का तंग और परेशान करता है, तो अवंती उसको अच्छी तरह से सबक सिखाता है। तो हम देखते हैं इस यूनिट में यूनिट नंबर 9 कब आओ। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रखना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। तो यहाँ पर अवंती की बात बताइए कि अवंती बहुत समझदार यंग मैन है और उसने रंगाई की दुकान यानी कि कपड़े की रंग करने की दुकान उसने खोली। तो गांव वासी उसके इस काम से बहुत उसकी प्रशंसा करते थे और वैसे वो बहुत समझदार था। तो जैसे और उसकी दुकान दिन ब दिन आगे प्रोग्रेस करती जा रही है, तो जैसे ऐसी बात एक सेठ को सुनने को मिलती है तो वो उसकी बहुत ईर्ष्या महसूस करने लगता है। अवंती को परेशान करने के लिए वह सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी इसीलिए आया हूँ। तो इस सेठ को अवंती की बड़ी ईर्ष्या महसूस होने लगती। तो वो क्या करते है, एक दिन अवंती की दुकान पर जाता है और एक उसके साथ एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लेकर गया था। अब वो क्या करते हैं, अवंती की दुकान पर जाते हैं और अवंती को बोलते हैं कि जरा ये मेरा कपड़ा है उसको रंग तो दे, मैंने तेरे बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा सुनी, जरा मैं भी तो देखूँ तू कि तू किस तरह से अच्छा काम करता है। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। जब सेठ जी अवंती को ऐसा बताते हैं तो अवंती उसको पूछता है कि इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हो। सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं। जब अवंती सेठ को रंग के बारे में पूछता है कि आपको कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद है, आप रंग का नाम बोले तो मैं उसी रंग में कपड़े को रंग देता हूँ। तो सेठ उसको कौन कौन से रंग के बारे में बताता है कि हरा, पीला, सफेद, नीला, लाल, नारंगी, आसमानी, काला और बैंगनी, इसमें से मुझे कोई भी रंग पसंद नहीं, अब तो तुम्हें समझ में आ गया है ना, ऐसा अवंती को पूछता है। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया, अच्छी तरह से समझ गया, मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। तो जैसे सेठ अवंती को इसके बारे में पूछता है तो अवंती बताता है कि हाँ अच्छी तरह से समझ गया हूँ और मुझे पता चलता है कि आप इस कपड़े को किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। आपको जो भी रंग पसंद है उसी रंग में मैं इस कपड़े को रंग दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भागते हुए इससे हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। अब अवंती बहुत चालाक था, वो सेठ की चालाकी को समझ गया और वो सेठ के हाथ में जो भी कपड़े का टुकड़ा था उसको अपने हाथ में ले लेता है। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा आप इसे लेने में किस दिन आओ। तो जब अवंती ऐसा करता है तो सेठ को अच्छा लगता है कि अवंती ऐसा कोई रंग मेरा कपड़े रंग देगा जो ऐसा कोई रंग मुझे पसंद ही नहीं है। तो वो अवंती को पूछता है कि ठीक है अब तू मुझे ऐसा कोई बात दे तो मैं उस दिन आकर इस कपड़े को ले जाऊँ। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया। अवंती क्या करता है, जो कपड़ा सेठ के हाथ में से लिया था उसको अपने एक जो अलमारी है उसमें रख देता है, उसको ताला लगा देता है और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। तो अवंती सेठ से भी ज्यादा होशियार था। जैसा उत्तर सेठ ने अवंती को दिया बिल्कुल वैसा ही उत्तर अवंती सेठ को बताते हैं। अवंती ऐसा बताता है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये सभी वार को छोड़कर आप किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उलट पड़ चुकी, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। जैसे अवंती उसको ऐसा जवाब देता है तो सेठ उसका जो मंसूबा है वो भाप लेता है कि अवंती मुझसे भी ज्यादा होशियार है और उसको मेरी इस चालाकी के बारे में
पता चल गया है, तो उससे लेकर फिर कोई दिन जो सेठ जो ये अवंती की दुकान में फिर लौट कर आया भी नहीं और उसने आने की हिम्मत भी नहीं की। तो यहाँ पर जो यूनिट था आईएस त्रिपाठी ने लिखा था और उन्होंने इस यूनिट में हमें ऐसा सिखाया कि हमें बिना किसी काम को किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको परेशान करेंगे तो उल्टा हम ही कोई और मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि बिना काम का किसी को ज़्यादा तंग नहीं करना।